हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आशीष मोटर में। आज हम बात करने वाले हैं निसान मैगनेट के बारे में। अपने सेगमेंट की सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है। प्राइस स्टार्ट होता है मात्र 6 लाख रुपए एक्स शोरूम से और टॉप चला जाता है 11,27,000 एक्स शोरूम तक। अभी आपके सामने सबसे बेस एक्सी वेरिएंट फ्लावर, इसमें 4 वेरिएंट आते हैं, एक्सी, एक्सएल, एक्सबी और एक्सबी प्रीमियम। यहाँ पे आपको बहुत सारे एडिशंस भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि गेजा एडिशन, क्यूरो एडिशन। क्यूरो एडिशन के अंदर आपको पूरी गाड़ी ब्लैक देखने को मिलती है, जिसका रोड प्रेजेंस आपको काफ़ी बढ़िया सा देखने को मिल जाएगा। तो आज इसी एक्सी वेरिएंट के बारे में हम कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे, एक्सटीरियर से लेकर इंटीरियर तक, इंजन, फीचर्स, देन प्राइस के बारे में। इंजन आपको मिलते हैं 2 1 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो निकाल के देता है 72 BHP की पावर और 96 Nm का टॉर्क। अगर आप टर्बो लेना चाहें तो उसका भी ऑप्शन है, वो भी आपको मिलेगा 1 लीटर का ही, लेकिन वहाँ पे आपको मिलती 100 BHP की पावर और 160 Nm का टॉर्क। माइलेज की बात करें तो आराम से आप 18 से 19 तक का निकाल सकते हैं, आपके चलाने पे डिपेंड करेगा, बिकॉज इंजन भी देख रहे हैं ना, बहुत छोटा है। एंड की बात की जाए तो ऐसे कुछ आपको नॉर्मल सी की मिलती है एक्सी वेरिएंट के अंदर, एंड कोई आपको रिमोट सेंट्रल लॉकिंग की नहीं मिलेगी। आप इसमें बाद में आफ्टर मार्केट या शोरूम से लगवा सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल से, फिर चलेंगे इसके इंटीरियर के अंदर। तो फ्रंट से देख लीजिए, ऐसे कुछ आपको यहाँ पे लुक्स नज़र आने वाले हैं। यहाँ पे निसान की ब्रांडिंग, निसान का लोगो मिलता है, एंड ग्रिल जो मिलेगी ऐसी कुछ क्रोम एलिमेंट्स के साथ में। बेस फ्रंट में भी आपको ऐसी ग्रिल मिलेगी और टॉप में भी सेम है मिलेगी, मतलब कोई भी अंतर नहीं है। हनीकॉम डिज़ाइन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। हेडलैम्प्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको हेलोजन हेडलैम्प्स ऑफर किए जा रहे हैं। बगल में आपको मिलती है टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट, जो आपको एल सेप में ये क्रोम ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। कोई यहाँ पे डीआरएल नहीं मिलने वाले। आप हायर वेंट्स में जाएंगे एक्सवी में, वहाँ पे आपको एलईडी डीआरएल देखने को मिल जाते हैं। नीचे आपको यहाँ पे कोई फॉग लैंप्स नहीं मिलने वाले, आप इसमें बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं। सामने बैठ के देखेंगे तो ऐसा कुछ आपको पूरा फ्रंट फेस नज़र आएगा। जो गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी है 205 mm का। प्राइस और सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी बढ़िया सा यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा इस निसान मैगनेट के अंदर। बोनट पे देखेंगे तो थोड़ा बहुत कट्स एंड किजेस हैं। यहाँ पे आपको डुअल वाइपर विद वॉशर का सेटअप। अगर रूफ की बात की जाए तो यहाँ पे आपको रूफ रेल्स भी मिलती हैं भाई, सबसे बेस फ्रंट में भी। बस एंटीना नहीं मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पे आपको कोई भी ऑडियो सिस्टम नहीं दिया जाता है। बाकी सबसे बेस फ्रंट में ये देख लो, स्पॉयलर यहाँ पे, हैमर शॉप लैम्प, वॉशर, डिफॉगर वाइपर, मतलब सबसे बेस रन में भी आपको निसान मैगनेट के अंदर ये सारे फीचर्स यहाँ पे दिए जाते हैं। तो डायमेंशंस की बात की जाए तो 3994 mm लेंथ है, 1758 mm की विड्थ है और 1572 mm आपको हाइट देखने को मिल जाएगी इस निसान मैगनेट के अंदर। व्हील्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको ऐसे कुछ स्टील व्हील दिए जाएंगे, एंड टायर सेक्शन देख लीजिए 195/60 R16 का देखने को मिल जाता है। आप इसमें बाद में व्हील कवर्स लगवा सकते हैं, आपको कंपनी की तरफ से नहीं दिए जाते हैं। इतना कुछ मिलेगा सस्पेंशन का ट्रेवल। यहाँ पे आपको क्लैडिंग वगैरह देखने को मिल जाती है चौड़ी सी। यहाँ पे फेंडर पे आपको मिलती है टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट। मिरर्स पे आपको नहीं दी जा रही सबसे बेस वेरिएंट के अंदर। यहाँ पे निसान मैगनेट की बैजिंग है और इन मिरर्स को आप मैन्युअली एडजस्ट एंड फोल्ड कर सकते हैं। अंदर आपको ये डंडी जैसी मिल जाती है इसको एडजस्ट करने के लिए। और ये रहे इसके डोर हैंडल्स, और आप यहाँ आ जाते हैं इसके रियर प्रोफाइल की तरफ। तो यहाँ से डलवाएंगे आप, इसमें पेट्रोल मिल जाती है आपको 40 लीटर की टैंक कैपेसिटी। अब चलिए इसका बूट ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं इसका बूट स्पेस। तो सबसे बेस वेरिएंट में भी आपको यहाँ पे इलेक्ट्रो मैग्नेटिक बटन दिया जा रहा है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो बूट स्पेस देख लो, काफ़ी अच्छा सा मिलेगा। और यहाँ पे कोई पार्सल ट्रे आपको नहीं दी जा रही है, आप इसमें बाद में लगवा सकते हैं। नीचे की बात करें तो यहाँ पे मिलेगा स्पेयर व्हील। अगर स्पेस की बात की जाए तो इसके अंदर आपको मिलता है 336 लीटर का बूट स्पेस। पीछे आपको दो दो हेडरेस्ट दिए जा रहे हैं, जिनको आप एडजस्ट कर पाओगे, फैब्रिक सीट्स रहेंगी। और इन सीट को फोल्ड करने के लिए आपको यहाँ पे लीवर सा देखने को मिल जाता है। ये तो गई इसके बूट स्पेस की बात। अब चलिए इसको बंद कर देते हैं और चलते हैं इसके सेकेंड रूम में, वहाँ पर बैठ के देखेंगे कितना क्या आपको सीटिंग कम्फर्ट, लेग रूम, हेडरूम दिया जा रहा है। तो ये रहे इसके डोर हैंडल्स। अगर डोर ट्रिम की बात की जाए तो ऐसा कुछ आपको मिलता है डुअल टोन कलर में। यहाँ पे ऊपर मिलेगा लॉक अनलॉक का लीवर, ये डोर ओपनर, पाउंडो के कंट्रोल्स, यहाँ पे सिल्वर फिनिश, फैब्रिक फिनिश। नीचे स्पीकर के लिए आपको जगह दी जा रही है, आपको कंपनी की तरफ से नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको मिल जाता है ये बॉटल होल्डर, कुछ स्पेस। रियर कैबिन में इतना कुछ आपको मिलेगा, लेग रूम, हेड रूम, और ये जो हेडरेस्ट हैं आप इनको एडजस्ट कर सकते हो, ये एडजस्टेबल आपको मिलेगा सबसे बेस ब्रांड में भी, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी ये रही फैब्रिक की सीट, आप इसमें बाद में सीट कवर लगवा सकते हैं। अब चलिए अंदर बैठ के देखते हैं। तो रियर सीट्स में बैठने के बाद इतना कुछ मिलेगा आपको, नी रूम, लेग रूम देख लीजिए, और थाई सपोर्ट भी आपको ठीक ठाक यहाँ पे दिया जा रहा है सेगमेंट के हिसाब से। बाकी सेंटर की बात की जाए तो यहाँ पे कोई एसी वेंट्स नहीं मिलने वाले हैं, जाहिर सी बात है। यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस आपको ज़रूर देखने को मिल जाता है। ये अंदर का पूरा इंटीरियर, ये इसके ग्रैब हैंडल, यहाँ पे कोट हुक, रूफ लाइट जो कि हेलोजन में रहेगी। बाकी हेडरेस्ट आपको मैं दिखा चुका हूँ। ये है भाई इसका फ्रंट डैशबोर्ड, जो कि डुअल टोन कलर में मिलेगा, देखने में काफ़ी बढ़िया शानदार सा लग रहा है। और सामने आपको कोई भी ऑडियो सिस्टम नहीं दिया जा रहा है, आप इसमें बाद में लगवा सकते हैं। और ये इसका मैनुअल ट्रांसमिशन है। अब चलिए बैठते हैं इसके फ्रंट ड्राइवर सीट के ऊपर, वहाँ पे बैठ के सारी चीज़ें
कवर करते हैं। तो सेम इसकी बॉडी कलर डोर हैंडल्स। अगर डोर ट्रिम की बात की जाए तो ऐसा कुछ पूरा आपको मिल जाता है डुअल टोन कलर में, फैब्रिक फिनिश है। यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक लीवर, ये डोर ओपनर, चारों पाउंडों के कंट्रोल्स, यहाँ पे सिल्वर फिनिश, फैब्रिक फिनिश, ये वायरिंग के कंट्रोल्स, नीचे आपको स्पीकर के लिए जगह, यहाँ पे आपको मिल जाता है बॉटल होल्डर। फ्रंट कैबिन की बात की जाए तो इतना कुछ आपको मिलेगा स्पेस, और आगे वाले जो हेडरेस्ट हैं उनको भी आप एडजस्ट कर पाओगे, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। फैब्रिक की सीट्स और अंडर थाई सपोर्ट की बात की जाए तो वो भी आपको काफ़ी बढ़िया सा देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप कर सकते हैं इनको रेक्लाइन, हाइट एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलेगा। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको फील को ओपनर मिलता है, मैनुअल एबीसी पेडल्स, और यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवलर, ये इसके ट्रैक्शन कंट्रोल के बटन, ये रहे इसके एसी के वेंट्स। अब चलिए अंदर बैठते हैं और अंदर से बैठ के सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। ड्राइवर सीट के ऊपर बैठने के बाद ऐसा कुछ आपको दिखेगा, इसका फ्रंट डैशबोर्ड 12 टोन कलर में है, काफ़ी बढ़िया शानदार सा लग रहा है। और ये रहे इसकी नॉर्मल सी की, और ऑन करते हैं इसका इग्निशन। तो भाई ऑन करते ही आप क्लस्टर पहले आप देख लो, पूरा आपको डिस्प्ले यहाँ पे दिया जा रहा है सबसे बेस ब्रांड के अंदर भी। इधर आपको मिलता है आरपी मीटर, इधर आपको मिलेगा इंजन टेम्परेचर, यहाँ पे फ्यूल गेज, बीच में आपको एमआईडी जिसके अंदर आपको स्पीडो मीटर देखने को मिल जाता है। सारी चेक लाइट्स हैं और जो इन्फॉर्मेशन है इसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ से आप ट्रिप ए, ट्रिप बी, माइलेज, रेंज वगैरह सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। बाकी आप टॉप में जाएंगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा क्लस्टर देखने को मिलता है, मतलब उसमें आपको बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। अगर स्टीयरिंग की बात की जाए तो ऐसा कुछ आपको मिलता है डीकट शेप में, निशान की ब्रांडिंग है, कोई भी आपको कंट्रोल्स यहाँ पे नहीं मिलने वाले हैं, जाहिर सी बात है कोई ऑडियो सिस्टम नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे कंट्रोल्स भी आपको नहीं मिलते हैं। यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल्स, यहाँ पे आपको मिलते हैं हेडलैम्प के सारे कंट्रोल्स। अगर एडजस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको ये लीवर मिलेगा जिसके थ्रू आप अपनी स्टीयरिंग को टिल्ट ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं गाड़ी के सेंटर कंसोल की, तो यहाँ पे एसी के वेंट्स मिलेंगे, यहाँ पे कोई ऑडियो सिस्टम आपको नहीं दिया जा रहा है, आप इसमें बाद में लगवा सकते हैं शोरूम से या आफ्टर मार्केट, जैसे आपकी मर्जी हो। यहाँ पे हैजार्ड का स्विच है, यहाँ पे बूट अनलॉक करने का बटन है, यहाँ से भी आप मतलब कर सकते हैं, डिफॉगर का बटन है, यहाँ पे मैनुअल एसी के कंट्रोल्स, यहाँ पे आप देख लीजिए काफ़ी बढ़िया सा स्पेस। नीचे आपको मिलता है 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट, यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस, और ये इसका 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, मैनुअल हैंडब्रेक, यहाँ पे 2 कप होल्डर, ये अच्छा खासा स्पेस। ग्लव बॉक्स की बात की जाए तो भाई ये देख लो, इसके अंदर भी आपको काफ़ी अच्छा सा स्पेस मिलता है, काफ़ी डीप है ये। बाकी एयरबैग्स आपको यहाँ पे 2 ही मिलेंगे, ऊपर आपको मिलता है ये मैनुअल डे नाइट IRVM, इधर कोई आपको मिरर नहीं मिलने वाला है। अगर कोर ड्राइवर सेट की बात की जाए तो भाई ये देखो, बेस में भी आपको यहाँ पे मिरर दिया जा रहा है, रूफ लाइट है जो कि हेलोजन में रहने वाली है, विजिबिलिटी ऐसे कुछ आपको मिलेगी मैग्नेट के अंदर। बाकी एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि मैग्नेट के अंदर आपको मिलती है 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग, तो प्राइस के हिसाब से देखोगे ना तो काफ़ी सेफेस्ट कार आपके लिए रहने वाली है। ये तो हो गए पूरे इंटीरियर की बात, अब चलिए गाड़ी को ऑफ करेंगे, बात करेंगे इसके सेफ्टी फीचर्स और प्राइसिंग की। तो इसके अंदर आपको ABS विद EBD, इंजन इम्बलाइजर, क्रैश सेंसर, और यहाँ पे आपको दिए जा रहे हैं 2 एयरबैग्स। प्राइसिंग की बात की जाए तो एक्सी वेरिएंट है, 6 लाख रुपये एक्स शोरूम, और लगभग 7 लाख रुपये की आपको ये ऑन रोड लखनऊ पड़ने वाली है। तो ऑन रोड प्राइसेज स्टेट टू स्टेट वेरी भी कर सकते हैं, आप अपने शोरूम पर जाके पता कर लीजिएगा। तो ये थी निसान मैग्नेट अपने सेगमेंट की सब कॉम्पैक्ट SUV, कैसी लगी आपको नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक दीजिएगा, एंड स्पेशल थैंक्स टू ड्रीम निसान आलमबाग लखनऊ जिन्होंने मुझसे कवर करने का मौका दिया। तो डील एनी निसान कार्स, विजिट दिस रूम। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।